आज संडे है, आज संडे है, यानी कि 575 आउंसेस का एक नया एपिसोड का दिन है। और देखिए जी, बिफोर वी गेट इनटू टॉकिंग अबाउट जो हम लोग टॉपिक के लिए यहाँ पे आए हैं, द यूजुअल सस्पेक्ट्स जेमी ऑल्टो, निखिल नाज और मेरा नाम अर्जुन है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं वाकिफ करा दूँ दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम से, ना कि सिर्फ फुटबॉल टीम, क्योंकि हम चाहने वाले हैं आर्सेनल के यहाँ पे, बट जो उनने कल मुजाहरा दिया है। जब जिनका फॉर्चून तब से नहीं बदला, लॉकडाउन हो गया, लोगों का सब कुछ बदल गया, लेकिन आर्सेनल का वही है, दो मैच खेले दोनों हारे। आप गलत कह रहे हैं सर, दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एवर टीम इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, इससे बेहतर कोई टीम आई नहीं है। सो आई एम पेइंग माय रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द बेस्ट एवर टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल और वर्ल्ड स्पोर्ट्स। लेकिन आज क्रिकेट की बात हो रही है, एंड क्रिकेट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वी हैव डिसाइडेड टू गिव बोर्डरूम पॉलिटिक्स अ बिट ऑफ अ ब्रेक। हमने कहा बहुत होगी, यहाँ पे आईपीएल होगा, T20 होगा, नहीं होगा, जब होगा देखी जाएगी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन आज एक क्रिकेट से रिलेटेड टॉपिक है, विच हैज बीन अ ट्रेंड दैट हैज बीन डेवलपिंग ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, और ये ट्रेंड काफी लोगों ने इसके बारे में बातचीत करी है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आज जाएंगे। एंड दैट ट्रेंड इज हाउ अवे टूरिंग साइट्स इन टेस्ट क्रिकेट स्पेशली हैव नॉट बीन डूइंग वेल अवे फ्रॉम होम इन द लास्ट 10 ईयर्स। जस्ट टू गेट द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड गाइस, एक ये स्टैट यहाँ पे मिला है कि 2010 से 2020 तक का अवे टीम्स हैव लॉस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टेस्ट मैचेस, व्हिच इफ टेकन इनटू परसेंटेज इज 53%, एंड इट्स आल्सो द हाईएस्ट प्रोपोर्शन एवर इन अ सिंगल डेकेड ऑफ कंपैरेटिव क्रिकेट। तो मतलब ऐसा नहीं कि पहले आप अवे मैचेस नहीं हारते थे, बट इन दीज लास्ट 10 ईयर्स द अमाउंट ऑफ मैचेस यू लॉस्ट दैट परसेंटेज हैज गॉन टू एन ऑल न्यू हाई। जेमी, आपने भी कुछ आंकड़े निकाले एज फार एज द अवे गेम्स टेस्ट अरीना में? हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें तीन जो टीम्स हैं, एंड इट्स नॉट विदाउट कोइंसिडेंस दैट ये टीम जो है ये टॉप थ्री टीम, द बिग थ्री, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया, दे ईच वन 17 मैचेस ईच इन द लास्ट डेकेड। पर क्या है, यू हैव टू सी हाउ मेनी मैचेस दे प्ले। ऑस्ट्रेलिया प्लेड 49, इंग्लैंड हैव प्लेड 52, इंडिया प्लेड द मोस्ट 57। इंडिया की बात करें, बिकॉज़ दिस इज आवर, जो हमारे मेन दर्शक हैं वो इंडिया के ही हैं, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया ट्रेडिशनली कितनी बुरी परफॉर्मेंसेस करती है घर से बाहर। तो इस लास्ट डेकेड में फिर भी इनका थोड़ा ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो टीम है वो फिर भी कुछ, हालांकि सीरीज बहुत कम जीती है बाहर, दे स्टिल मैनेज टू विन द ऑड मैचेस। पहले ऐसा नहीं था। आई थिंक दिस इज व्हाई द 2007 टूर ऑफ इंग्लैंड अंडर ड्राविड वाज अ ब्लिप, जब वो सीरीज जीती थी। बट पॉइंट ये है कि इट्स स्टिल द टॉप टीम्स व्हिच आर द वंस हु स्टिल मैनेज टू विन द ऑड मैच। अगर हमारे दर्शकों को याद है, द माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम जो दो बार 16 मैचेस लगातार जीती है, दीज टीम्स हैव नाउ बीन सीन एज द पिनिकल ऑफ टूरिंग टीम्स। पर ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, और अगर आप पिछले 10 साल से बात करें, इट्स आल्सो नो क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स हैव आल्सो फेडेड अवे विद इन द लास्ट डेकेड। तो कहीं ना कहीं एक फॉलिंग स्टैंडर्ड जो है का डायरेक्ट कोरिलेशन नॉट डूइंग वेल। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया में शायद एक टेस्ट मैच जीती है पिछले 10-8 साल में, राइट? सो दैट सेज द टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, एंड वी विल गेट इनटू दिस, आई एम श्योर निखिल आल्सो हैज हिज व्यूज ऑन दिस, बट व्हेन द टॉप टीम्स आर नॉट विनिंग यू हैव टू क्वेश्चन व्हाट इज द हेल्थ ऑफ टेस्ट क्रिकेट। एक चीज मैं और बोलूंगा, मेरा ये मानना है कि टीम्स आर स्टिल वेरी कंपेटिटिव, बट ओवरऑल जो इसका स्टैंडर्ड है वो गिर चुका है, लेकिन उसी स्टैंडर्ड के अंदर teams can still be competitive. But yes, you are not seeing the dominating bowling performances of overseas spinners coming to India and doing well. India ki baat karein to spinners sirf chalte hain, barring one freak match in 2017 jab Steve O'Keefe left Pune mein. But again, that was a freak occurrence. Uske aas paas aisa koi match nahi hai jahan pe koi videshi spinner India aaya aur aisa pradarshan kiya hai. Nathan Lyon bhi aake 8 wicket le chuke hain, but India wo match jeeti thi. Jason Frazier aake ek baar कुछ 12 विकेट लेके अपने डेब्यू पे, पर उन्होंने कुछ 200 से ऊपर रन दिया है ऑल इन द लास्ट 10-11 इयर्स। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि टीम्स आर नॉट डूइंग वेल बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, द लेवल ऑफ बैटिंग व्हेन इट कम्स हियर, एंड आई मीन दैट्स माय व्यू। एज वी गो ऑन वी कैन गेट मोर इनटू द निटी-ग्रिटी। आई एम ग्रेट यू ब्रॉट अप द बैटिंग पॉइंट, बिकॉज़ एक तो स्टीव ओकीफ को जो आपने बात करी है, स्टीव ओकीफ का वो भी था कि एक उसको कभी खेला नहीं गया था उससे पहले, ही समथिंग न्यू, क्योंकि उसके बाद अगर आप सीरीज में देखें, स्टीव ओकीफ जनाब उसके बाद दिखे नहीं है उस पूरे सीरीज में, उस पूरे टेस्ट के बाद। लेकिन निखिल, अगर हम बात करें, सो व्हेन यू टॉक अबाउट दोज, यू नो, दोज मैसिव साइड्स दैट घर पे भी शेर थे, बाहर भी शेर थे, तो एक वेस्ट इंडीज आती है 80s 90s के दशक की, एक ऑस्ट्रेलिया आती है स्टीव वॉ वाली जो 2000 में उन्होंने इतना डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट को, उसके बाद कोई दिखा नहीं है। एंड इफ आई गेट इनटू अ स्पेसिफिक, इज दिस अ रिजल्ट ऑफ बैटिंग टेक्निक्स गेटिंग मोर एंड मोर स्वेइंग टुवर्ड्स द T20 स्टाइल ऑफ क्रिकेट, which means जो patience है उसको हम इतना appreciate कर नहीं रहे हैं,
नहीं, पहली बात तो इससे सहमत हूँ कि वो स्टाइल ऑफ प्ले तो बदल गया है, लेकिन उसका क्या असर इस चीज पर पड़ेगा जिसको हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई विदेशी जमीन पर टीमें नहीं जीत पा रही। मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है और अप्रिशिएट नहीं कर रहे आप टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग को, तो वो सब टीमों के साथ वही हो रहा है। सो ये एक ऐसा नहीं है कि एक टीम के साथ है, तो अगर सबके साथ है देन हाउ इज इट अफेक्टिंग द रिजल्ट्स। ना एक चीज है, क्योंकि हम बात करें रिसेंट में, मैं आपने स्टैट दिखाया ना, मैंने एक ये देखिए आप, अगर आई डोंट नो अगर आपको नजर आता है कि एक ग्राफ है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन ये आपको, ये टेस्ट क्रिकेट यहाँ से शुरुआत हुई है और हम यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है, और ये आप मान लें मीडियन है लाइन बीच में, ठीक है, तो ये होम एडवांटेज है जो आप ऊपर चीजें देख रहे हैं, ये होम एडवांटेज है। तो यानी जब से क्रिकेट शुरू हुआ है और अब तक ज्यादातर होम एडवांटेज रहा है। एक ही जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिप गया है, वो भी 40s में है, 1940s के टाइम में था जब होम एडवांटेज काम नहीं कर रहा, बाकी हर टाइम रहा है, कभी कभी थोड़ा नीचे आता है ऊपर नीचे चलता है, लेकिन क्या आप क्या देख रहे हैं ये, आप इस बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस ये मतलब मेरा कहना है कि होम एडवांटेज क्रिकेट में नई बात नहीं है, इट्स ऑलवेज बीन देयर एज दिस शोज, ठीक है। एंड इसी में मतलब आई थिंक द लार्जर पॉइंट इज कि जो हम फिगर्स अभी भी बात करेंगे ना, उसमें मार्जिनल डिफरेंस आया है। सो द फैक्ट विल रिमेन कि होम एडवांटेज रहेगा। एंड व्हाई जस्ट क्रिकेट भाई, अगर आप कोई भी स्पोर्ट देख ले, एक इंटरेस्टिंग आपको स्टैट बताऊंगा, इन एवरी स्पोर्ट होम एडवांटेज का, आपने अगर आप आर्सेनल है उसको छोड़ दे, बाकी फुटबॉल टीमें मेक फुल यूज ऑफ होम एडवांटेज, इवन इन फुटबॉल इट हैपेंस, बट फुटबॉल में उतना नहीं है, बिकॉज एज यू नो क्रिकेट बहुत अलग चीज है, जैसे हम कंडीशंस ना, करेक्ट, हम कंडीशन, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके बावजूद होम एडवांटेज काउंट्स वेयर द कंडीशंस आर एग्जैक्टली द सेम, पिच कंडीशन इन फुटबॉल इज एग्जैक्टली द सेम, और बेसबॉल ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ द सेम बिकॉज पिच डजंट कम इन टू प्ले, येट द होम एडवांटेज काउंट्स। सो पहली बात तो ये हमें मान लेना चाहिए कि जस्ट द फैक्ट दैट यू आर प्लेइंग एट होम, वेदर दैट इज कॉन्फिडेंस आप में आता है कि भाई आप घर पे खेल रहे हो, वेदर इट इज क्राउड का सपोर्ट कि आप घर पे खेल रहे हो, वेदर वहां की हवा या खाना पीना या आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भी है, मतलब द वन थिंग इज अग्रीड अपॉन अक्रॉस स्पोर्ट की होम एडवांटेज क्राउड्स। क्रिकेट में वेरी सिंपल एज यू सेड, कंडीशंस प्ले अ मेजर रोल, तो होम एडवांटेज आता है। इवन देन क्रिकेट इज द सेकेंड मोस्ट, सेकेंड इन द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट जहां होम एडवांटेज काउंट करता है, इट्स स्टिल नॉट नंबर वन, देयर इज अ स्पोर्ट व्हिच इज ahead of cricket also, यहाँ पे home advantage ज़्यादा count करता है, and cricket being second because as you said काफी condition आती है। Which sport is that? Which sport is that? Just it's a trivia question if anyone wants to know, rowing is that sport जहाँ पर ऐसा होता है जिसमें home advantage ज़्यादा count करता है because they've taken the result। उसमें कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो होम टीमें, और मैं ड्यूल की बात कर रहा हूँ, जैसे आपको पता है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के बीच कभी कभी होता है या कई ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो होम टीम है अनडिफीटेड गो फॉर लाइक 20-30 सीजन नॉन स्टॉप, जो भी घर पे होता है, मतलब दैट्स हाउ बिग अ होम एडवांटेज देयर इज। नाउ वेदर दैट हैज टू डू विद आपको विंड पता है कैसे है या व्हाटएवर यू नो करंट एंड ऑल, यू यूज़ द करंट जो भी है उसमें ज्यादा है। सेकंड हाईएस्ट ये एज यू सेड बिकॉज ऑफ कंडीशंस, और सिर्फ कंडीशंस आपके पानी में कुछ होगा ना, हाँ पानी में कुछ हो सकता है, पानी को जानते हो, मछलियों को पता है वो क्या किस कहाँ पे जाती है, आई डोंट नो। सो दिस इज स्टेटेड की है, और इसमें नहीं क्या है, आज नहीं हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। एक पॉइंट अगर मैं बस ये बोल दूं आखिरी में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी थोड़ा ज्यादा है, एंड यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें मुझे लगता है द डिफरेंस इज एग्जैक्टली दिस, दैट इन टाइम्स वेयर a certain team is far ahead of all other teams, जैसे आपने West Indies का example ले लिया, Australia, तब home advantage का जो ये है ना gap, वो कम होगा। अगर आप ये देखोगे, वो कम इसलिए होगा क्योंकि जो better team है, चाहे वो घर पे खेले या बाहर खेले, वो जीत जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, home advantage का जो gap है, that reduces because that team is winning even away from home, ठीक है, तो जो गैप। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, आई थिंक मोस्ट टीम विद द एक्सेप्शन, और जो जेमी ने स्टैट के बारे में बात की, विद द एक्सेप्शन ऑफ वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, दीज थ्री टीम्स इनका होम एडवांटेज पिछले 10 सालों में उतना नहीं दिखा जितना बाकी टीमों का दिखा है, इफ यू टेक अ लुक एट द स्टैट दैट जेमी हैज सेंट, और हमारे दर्शक भी दे सकते हैं आप। चलो क्यों है, सिंपल आंसर है, क्योंकि दोज टीम्स आर नॉट दैट डोमिनेंट इन टेस्ट क्रिकेट एनीमोर, तो उनको होम एडवांटेज नहीं मिल रहा। बाकी जो मुझे लगता है जो टीयर एक बन गया है बाकी टीमों का, उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे है, बट जनरली मैं बात कर रहा हूँ जो टीयर बन गया है टेस्ट क्रिकेट का, वो इतनी करीब है वो टीमें, एंड व्हेन यू आर क्लोज टू ईच अदर इन कॉम्पिटिशन, दैट्स वेयर द होम एडवांटेज बिकम्स बिग, बिकॉज व्हेन टू इक्वल टीम्स प्ले, देन एनी लिटिल एडवांटेज गिव्स देम दैट एज, रादर देन
a team which is far greater coming at your home and still beating you at your home, इसलिए वो home advantage का जो gap है वो थोड़ा कम हो जाता है. मैं जेमी, आई जस्ट टेक यू, आई गिव यू अनदर स्टैट एंड आई एम गोना स्टिक टू द बैटिंग पॉइंट. इवन दो निखिल कह रहे हैं कि इट्स होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ साइड्स, बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टीम्स दैट आर टोरिंग, राइट? आई एम सेइंग दैट द पॉइंट इज, सिंस 1945 टू 2000 नंबर ऑफ टेस्ट ड्रॉन 41%. ओके, फाइन. नाउ 2000 टू प्रेजेंट डे दैट नंबर इज ड्रॉप टू 22%, सर. नाउ यू आर नॉट टेलिंग मी दैट अ लॉट ऑफ दैट हैज टू डू विद द नंबर ऑफ शॉट्स यू आर प्लेइंग और द काइंड ऑफ रन रेट यू आर ट्राइंग टू परसीव और ट्राइंग टू जो आप रन रेट के साथ खेलना चाहते हैं कि आप रन रेट बढ़ा रहे हैं 3-4 का, और जो फैक्ट कि इन दिस 2000 टू प्रेजेंट के टाइम में भी एक T20 आया है आपके बीच में, एंड दैट अ लॉट ऑफ कोर्स एक नया फॉर्मेट आ गया है, तो नाउ दैट एडजस्टमेंट इज ऑल द मोर एंड शेड्यूल भी ऑल क्रैम्प हुए जा रहा है, तो मतलब सडनली यू प्लेइंग T20 ऑन अ मंडे एंड पॉसिबली ऑन अ फ्राइडे यू माइट बी प्लेइंग अ टेस्ट मैच. Yeah, see, look, I agree with you. एक हद तक जरूर है जब T20 आया है, पर ये भी है कि वन डे भी तो 1970s से आ रहा है, और वहाँ पे more similar to test cricket ना, Jimmy. Correct. There is one more format being played, but I think इसमें क्या है, एक तो when after a certain generation of great batsmen go away, और हम ये देख रहे हैं कि 2007-08 के बाद, first of all, we talk about the Australian team, जब likes of Gilchrist, Hayden, Langer, Warren, McGraw, गिलेस्पी, ये लोग गए थे, तो एक लेवल, एक क्वालिटी गया, तो कहीं टीम्स को टाइम लगता है वापस आने में, ये शायद एक फैक्टर है. बाकी जैसे निखिल ने कहा था, यू नो, यू लुक एट दिस कंडीशंस एंड द कंडीशंस आर नॉट जस्ट द पिच, इट्स द ह्यूमिडिटी, इट्स द वेदर, इट्स द सोइल, तो ये सब फैक्टर्स हैं. और अगर होम एडवांटेज रहा है फ्रॉम द फर्स्ट बॉल एवर बोल्ड, तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग. दूसरा क्या है, अगर हम अगेन आई एम गोइंग बैक टू द इंडियन टीम, बिकॉज हमारे ऑडियंस मेनली इंडिया का है, एक ट्रेंड हमने देखा है कि अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स इंडियन टीम हमेशा स्ट्रगल किया है, एंड दिस इज बीन एम्प्लीफाइड इन द लास्ट 10-12 इयर्स, क्योंकि डोमेस्टिकली आपका फोकस स्पिन में नहीं है. जब आप डोमेस्टिक लेवल पर अच्छे स्पिनर नहीं खेल रहे, दैट्स व्हाई यू सी अ क्वालिटी स्पिनर लाइक, यू नो, लाइक नेथन लायन डूइंग वेल अगेंस्ट इंडिया होम एंड अवे, ग्राम स्मॉन हैज डन वेल. देयर वाज अ टाइम व्हेन प्लेयर्स लाइक युवराज सिंह एंड सुरेश रैना इन टेस्ट क्रिकेट were being picked apart by the likes of Brad Hogg. So, kahin na kahin, we talk about, you know, India goes ahead and struggle. Moeen Ali has regularly bamboozled and has won a test series for England with his off-spin. Wohi Moeen Ali, jo beat series mein wapas laye gaye the as a batsman. Achanak unko ball diya gaya tha, woh 7-8 wicket le gaya. So, you have to go back to see ki the teams kahan struggle kar rahi hai. It is a large statement that India struggles against seam. Hey, 2014 की बात करें, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, स्टीवन फिन, इन लोगों ने इंडियन बैट्समैन की धजे उड़ाई थी. बट यू हैव टू गो डीपर एंड सी कि एक्चुअल स्ट्रगल कहां कर रहा है. तो शायद टीम्स अपनी फोकस वहां नहीं कर रही है जहां पे करना चाहिए. दिस आल्सो इज वन ऑफ माय थ्योरीज. एंड सेम थिंग, हां निखिल, नहीं सॉरी, आई जस्ट वांट टू से अर्जुन, मैं जो जैसे आप बैटिंग की बात करो ना, मैं तो पहले ही कंसीड किया और माना कि T20 और इससे आने से बैटिंग का स्टाइल चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है. लेकिन बात यह है कि सबका हुआ है, इसीलिए ड्रॉ नहीं हो रहा, बिकॉज एवरी टीम इज ट्राइंग टू गो फॉर अ रिजल्ट ऑफ बैट लाइक दैट. सो ये नहीं है कि सिर्फ इंडियंस वैसे खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन अभी भी यू नो पेशेंट वाली गेम खेल रहे हैं, या इंग्लैंड, ऐसा नहीं है, सभी खेल रहे हैं. सो उससे क्या होता है दैट एनी एडवांटेज की होम टीम जीत रही है नहीं, वो निगेट हो जाता है ना, बिकॉज एवरी वन इज प्लेइंग दैट अग्रेसिव क्रिकेट. सो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. आई थिंक and specific red ball players and specific red ball teams. No, because sure, in a sense that will differentiate your format also, it will give you that, you know, ki wo alag hai. Sure, but if that trend, wohi to main keh raha hu, agar maan lo main aapse agar sehmat bhi hu ki aisa karna chahiye, agar wo successful trend hoga to sabhi team bhi wohi karenge na, sabhi specialist player lenge, fir baat to wohi ho jati hai. To kya एक टीम भी होम वैसे ही बना रही है जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं बल्लेबाज, दूसरी टीम भी वही बना रही है, तो क्या फिर होम एडवांटेज चलेगा? नहीं ना, फिर भी होम एडवांटेज का जो फैक्टर है वो तो विल प्ले. माय पॉइंट इज बैटिंग स्टाइल विल रिमेन कांस्टेंट, वेदर इट्स द पेशेंट गेम, वेदर इज द अग्रेसिव गेम, इट रिमेन्स कांस्टेंट विद ऑल टीम्स, येट होम एडवांटेज कम्स इनटू प्ले. और आप ऑल सेड एंड डन, ऑल स्ट्रिप डाउन बेसिक लेवल पे, आप सीरीज तब जीतोगे जब आप अच्छी बैटिंग करेंगे. इंडियन टीम हम देख रहे हैं विराट कोहली के अंदर, अगर हम ले start of 2015, Indian teams are bowling out teams far more overseas than they used to. ठीक है, but problem आ रहा है batting पे. अगर India अपनी पहली, मतलब पता नहीं 40-50 साल के अंदर पहली test series जीती Australia में, it is largely because Chetheshwar Pujara faced some 600 balls, right? Yeah. So
there is merit to what you're saying, Arjun, ke the style of playing, but it all comes down to just batting. Haan, Pujara does not play T20s that often. Koi IPL franchise nahi hai. India ke liye, wo sirf test cricket khelte, but all said and done, he's a bloody fine test batsman. India ke paas aise batsman aur bhi hai. Ajinkya Rahane is not playing that many T20s, but he's had a horrible last two and a half years, maybe even 3 years, right? It all comes down to aap kitna successful ho on the day, and especially doing a five match series. Aapne baat kiya Nikhil, you know, the West Indies, Sri Lanka. Sri Lanka, in their history, had never played more than a three match series. West Indies do not play five matches anymore. So, jo teams char or panch match ki shrinkla khel rahi hain, wo zahir si baat hai ki inka exposure level aur bhi hoga, and they have a better chance at succeeding because they are playing more matches in a series, right? You know, I'm glad you brought up that point, because the next point was going to be this only, ki, because of the cramped schedule and because you now have so many multi-format players, तो ऐसा नहीं है कि मेरी अलग एक टीम है तो उनको मैंने पहले भेज दिया तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरी एक उस टीम में पांच छह प्लेयर यहाँ कुछ व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेल रहे हैं और वो आके ज्वाइन करेंगे. यू सपोज लेस टाइम इज बीइंग स्पेंट ऑन दीज टूर्स, कि जो आपके टूर से पहले जो आपके वार्म अप गेम्स होते हैं, जो आप ए साइड्स के खिलाफ खेलते हैं, एंड यू नो सो ऑन अन लाइक दैट. यू थिंक दैट हैज बिकम इवन लेस नाउ, द शेड्यूल इज बिकम अ लॉट लेस, क्योंकि शेड्यूल आपको जगह ही नहीं दे रहा है, मतलब आपको वो सब करने के लिए. 2014 की आपने बात करी, स्टीवन फिन ने अपना पत्ता शो कर दिया था सर. 2014 में इंडिया ने एक भी टूर गेम नहीं खेला और श्रृंखला 4-0 हार गया. देखो, इफ आई कैन स्पीक हियर ऑफ निखिल हियर, सॉरी, अगर आप देखें तो इतिहास ये बताता है कि देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन, के मतलब क्या होता है एक टूर मैच में. चाहे वो एक टाइम में जब इंडिया पहली बार गई थी इंग्लैंड, उन्होंने कुछ 25-28 मैच खेले पूरे टूर में, कोई मैच नहीं जीते वो. ओके, तो देयर हैव बीन टूर्स. आप 2002-03 के टूर ले लें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर मैच में कुछ नहीं हुआ था, दे डू दैट सीरीज. तो कहीं एंड स्टैट्स डू प्रूव कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है. आप चाहे एक मैच खेले और या उसके बाद आप तीन टेस्ट मैच खेले, बिकॉज सिंपल फैक्ट टूर मैच में क्या होता है, होम बोर्ड और सारे होम बोर्ड ये करते हैं, वो आपको रद्दी टीम देती है स्टार्ट में. डिफरेंट पिचेस, देयर हैव बीन मैचेस, मैंने आर्टिकल बहुत पढ़े, मैंने खुद देखा ये कहीं ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में ऐसे टूर मैच होते हैं जहां प्रैक्टिस मैच में बॉल आपके घुटने से ऊपर नहीं आएगी, पहले मैच आप खेलते हो गैबा में जहां बॉल आपकी नाक तक आ रही है. तो इसमें है, पर यस, कहीं ना कहीं और T20 लीग से और फॉर्मेट से द टाइम हैज श्रंक. अब यहां पे मेरा ये मानना, इट डिपेंड्स व्हाट डज द टीम, द कैप्टन, द कोच वांट. विराट कोहली की बात करें तो वो मानते हैं कि ये सिमुलाइज्ड, क्या बोलते हैं वो, मैच सिमुलेशंस वर्क बेटर फॉर हिम. But again, you ask the question, does that necessarily work for you in a match? It all comes down to team ka vatavaran kya hai, team ki strengths kya hai. That's my true sense on this. Nikhil, just before you answer, so basically he's saying ki ek aapne tour match. My point is ki ek tour match se baat nahi banegi. And which is why I'm also coming back to my point ki maybe we need to be having specialist red ball teams. Ki aap ek tour match nahi janab. Aap jaise abhi, because of the situation jo abhi humare saamne hai, someone like a Pakistan is going to be spending 4 weeks in England. And maybe that might help them. By they might not play any tour games versus bowlers from that side. वो अपने बीच में जो उनकी 30-man squad है, या West Indies का जो अभी England का जो 50-man squad है, जो अभी अपने बीच में खेलेंगे, so they'll be playing games within themselves. That might help in the long run. कि आप conditions को notice कर रहे हैं, कितने length पे आपको गेंदबाजी करनी है, Duke, Kuka Bora, SG का क्या-क्या फर्क है, और आप किस प्रकार से आपको speed आपको खेलना है. That only comes with time, not one tour game, ना? नहीं, पर वो ये भी हो रहा है क्योंकि ये COVID का टाइम है, तो दे हैव टू हैव मोर टाइम डूइंग इट. आई नो, इन अ रेगुलर, इन अ नॉर्मल वर्ल्ड दिस वुडंट हैपन. नहीं, एक चीज ये है, टूर गेम को अगर आप हटा भी दो, मैं आपको एक और स्टैट देता हूँ. एंड यू नो, आई मीन, पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरी निजी राय पूछे तो मैं भी चाहूंगा कि टीमें पहले थोड़ा पहुंचे और खेलें, चाहे वो टूर मैच हो या यू नो अभ्यास करें, जो भी है, क्योंकि जितना आप टाइम लगाएंगे आप बेहतर ही होंगे, और ये मेरा निजी राय है और मैं ऐसा मानता था. लेकिन इसके बीच मैंने जब थोड़ा रिसर्च करी तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप चाहेंगे तो हम अपने दर्शकों के लिए वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट भी कर दूंगा. इंटरेस्टिंग ये है कि वो स्टैट देखता है कि कितना, जब टीमें ट्रैवल करती हैं तो कौन सा टेस्ट में उनके जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना. तो वो डिमिनिश हो जाते हैं एज यू गो अलोंग लेटर टेस्ट में. तो कन्वेंशनल विजडम क्या कहती है, जैसे मैंने भी कहा, हाँ पहले जाओ, जितना आप खेलोगे आप यूज टू हो जाओगे, आपने बोला लेंथ लाएंगे. सो हमें लगता है कि अगर मान ले आपके पास उतना प्रैक्टिस नहीं था, तो अगर आपने जो गलतियां फर्स्ट टेस्ट में की, आपने एक टेस्ट खेल लिया, तो आप सेकंड में बेटर हो गए, थर्ड में बेटर हो गए, फोर्थ में बेटर हो गए, फिफ्थ में कंडीशन में सेट हो जाओगे, लेकिन तब तक टूर खत्म हो जाएगा, ये हम मानते हैं. बहरहाल आप इस आर्टिकल को देखिए जिसमें वो स्टैट्स पे नजर डालता है,
एज द टूर प्रोग्रेसेस जो टीमें ट्रैवल कर रही होती है अवे फ्रॉम होम जो विजिटर्स हैं उनके जो जीतने के चांस है वो कम होते जाते हैं. तो देयर बेस्ट चांस टू विन अ टेस्ट मैच अब्रॉड इज द फर्स्ट टेस्ट विच इज वेरी सरप्राइजिंग फ्रॉम जो कन्वेंशनल हमारी विजडम है कि भाई जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतना आप यूज टू हो गए. इट्स लुक्ड एट वन डेकेड ऑफ टेस्ट मैचेस जो हम ये बात करें ना अवे टीमें कि अगर टीम को जीतना है और ये सारी टीमों को लिया गया है जो टूर पहले कर मतलब ज्यादा समय बिता चुकी है आके कुछ ऐसी भी है जो उतरते ही तीन दिन बाद भी खेली है हर तरह की टीमों ने जो खेला है फिर भी बेस्ट चांस पहले टेस्ट मैच में आता है ना कि जब वो समय बिताती है बाद वाले टेस्ट. निखिल उसमें यू हैव टू अग्री दैट देयर इज द मेंटल एंगल आल्सो राइट कि आप एक अवे टूर पे जा रहे हैं आप पहला मैच हार गए वहां की मीडिया आप पे चढ़ गई हमारी यहाँ की मीडिया आप पे चढ़ गई एंड देन दैट सॉर्ट ऑफ कीप्स ऑन मेक वर्किंग वर्क्स इनटू योर सिस्टम एंड देन यू जस्ट नेवर रियली रिकवर आफ्टर दैट. That is also a big part of it, ना? नहीं बिल्कुल लेकिन क्या वही मैं कह रहा हूँ शायद फटीक भी हो सकता है कि जो टीम अवे ट्रैवल कर रही है वो थक जाती है. तो यही मैं कह रहा हूँ ना अगर एक चीज ये कहते हैं कि जितने दिन आप घर से दूर हो और जितना टाइम आप बिताते हो आप चाहे कितने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हो आप थोड़ा बहुत होमसिक होने लग जाते हो. मतलब मैं टीम की मनोबल की क्या बात कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट जब हम भी ट्रैवल करते थे दो दो महीने के टूर्स होते हैं बाय द एंड ऑफ इट जो हमारी प्रोडक्टिविटी भी थी ना चाहे स्टोरी लिखने की हो या स्टोरी करने की हो वो कम होती जाती है एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू आर एट होम इन अराउंड योर सराउंडिंग एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग व्हेन यू आर स्टेइंग इन होटल्स एंड आई एम गेसिंग ये तो मैं जर्नलिस्ट की बात की प्लेयर्स का तो हजार गुना ज्यादा प्रेशर ज्यादा लाइमलाइट और ये है. सो दिस इज ऑल्सो प्रूवन फैक्ट कि जब वो अपने घर से दूर है विद टाइम चाहे कितनी भी कंफर्टेबल हो आप फाइव स्टार्स में हो वाइफ भी ट्रैवल करती है बच्चे भी ट्रैवल कुछ तो है जो फर्क करता है प्लेयरों का एंड उनकी प्रोडक्टिविटी एज द टेस्ट मैचेस गो आगे कम होती जाती है. तो क्या इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें 15 दिन और पहले भेजना चाहिए फॉर अ थ्री टेस्ट मैच मे बी नॉट. ये एक ऐसी चीज है आई डोंट नो लाइक आई सेड हमारे पास सारे आंसर्स नहीं है वी कैन जस्ट पुट डेटा आउट मे बी इस पे एक रिसर्च करनी चाहिए एंड मे बी आई थिंक ईच प्लेयर इज डिफरेंट सम से कि नहीं हम भाई जल्द जितना कम टाइम वहां रहेंगे उतना अच्छा है हम उतने कम टाइम में अच्छा है. कि अगर आपने 15 दिन के पहले बिफोर द सीरीज भेजा द प्रेशर्स एंड द थिंग ऑफ बीइंग इन अ डिफरेंट कंट्री आर कंप्लीटली डिफरेंट once the series begins aur aap haarne lag jate ho to alag hi baat hai but in that 15 day period when that pressure of winning is not on you the time is also right then to find the length to find the conditions and to kind of find your mental space to be ready for that 5 match series. Nee, but ye to hum sochte the na maine aapko kaha ye to hum sochte hain we believed in this and you know logically as I said conventional wisdom yahi kehta hai bawajood iske data ye kehta hai ki fir bhi jaise jaise tour lamba hota jayega जो चांस ऑफ अ विजिटिंग टीम के जीतने कम होते जाएंगे होम टीम और इस पे अपना पकड़ लेगी सीरीज पर मजबूत पकड़ बना लेगी. एक बात मैं बोलूंगा आपको पता है कि 1993 से लेकर 2014 तक इंडिया ने कोई 5 टेस्ट मैच सीरीज खेली ही नहीं. तो जब आप 19 साल से आप नहीं खेल रहे हो राइट फिर अचानक आप इंग्लैंड जाते हो तो इंडियन टीम की कल्चर ऐसी है कि दे हैव नेवर एंड दे आर प्लेइंग हु ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जिनकी रोजी रोटी उनकी ब्रेड एंड बटर बनती है 5 टेस्ट मैच सीरीज से राइट. तो ये भी एक फैक्टर है और उस 19 साल में आई थिंक दे वर लेस देन 10 फोर मैच सीरीज राइट. इट्स लाइक श्रीलंका जो शायद इनका 82 में इनका टेस्ट डेब्यू था रफ अर्ली 80s वो कभी 3 टेस्ट मैच सीरीज से ज्यादा कभी खेले नहीं है. हम बात कर रहे हैं मतलब यू नो ऑलमोस्ट 40 इयर्स. कल आप उनसे बोलोगे कि 5 टेस्ट मैच खेले तो जाहिर सी बात है कि वो लंबा बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू. तो अगर इंडिया 19-20 साल के बाद अब पिछले 4.5 साल के अंदर 5 मैच सीरीज खेल रही है इट विल टेक देम 8-9 इयर्स टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अंडरस्टैंड. सो व्हाई इट्स अ गुड स्टैट दैट निकल ब्रॉट अप इनकी पहली चांस होती है पहली मैच में. लेकिन आप देखते हैं अक्सर इंडिया अगर पहली सीरीज पहली मैच ड्रॉ करे बड़ी बात है. इंग्लैंड की दौर देखें 2 बार 1 मैच जीते अचानक बीच में उसके बाद डाउन. आई थिंक अगेन लाइक निकल सेड दिस इज आल्सो जस्ट माय व्यू बिकॉज 20 साल से आपको आप यूज्ड टू नहीं हो 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलना एक टीम एक देश में. Guys, one final point as to why we feel कि ये शायद ये record हमें दिखने को मिल रहा है is on conditions. Conditions, of course, हम सब जानते हैं कि conditions सबके अपने अलग अलग conditions होते हैं. But those conditions going to an extreme level is that too much? Say what people are saying that a lot more the ball is swinging in Australia and New Zealand is seeming a lot more in England. It's spinning a lot more not just in India but in Bangladesh and the subcontinent as a whole. So then is that also one of the reasons कि आप वहाँ पे जा रहे हो और आप एकदम बौखला रहे हो जनाब कि मैं तो मतलब खेल ही नहीं पा रहा है बॉल को.
बट यू नो आई डोंट नो, मतलब जो नेकेड आई को दिखता है मुझे तो लगता है बल्कि जो कंडीशंस है वो थोड़ी और कम हो रहा है, गैप गैप न्यूजीलैंड में आपने देखा था ना अभी इंडिया का? नहीं मैं बट न्यूजीलैंड में कई ऐसे भाई, न्यूजीलैंड के आप पुराने देखो, मैं तो वो जमाना देखा है जो मतलब 100 रन पे टीमें आउट होती थी, वो 2002-03 की सीरीज देख लो, करेक्ट वो न्यूजीलैंड। और अब न्यूजीलैंड तो मुझे याद है 2009 की सीरीज कवर करने गया था मैं न्यूजीलैंड में, मतलब वहां पर दो दो दिन बैटिंग कर रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर, टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो रहे हैं वेलिंगटन में, विंडी वेलिंगटन कहते थे जहां आप डेढ़ दिन बैटिंग नहीं कर सकते थे, ड्रॉ हो रहे हैं, पांच पांच दिन मैचेस चलते, डबल सेंचुरियां बन रही है उस ग्राउंड में, मुझे तो लगता है बल्कि वो, और उसके पीछे रीजन है अर्जुन, आप ऑस्ट्रेलिया भी देख लो अगर आप, तो जो ऑस्ट्रेलिया का पहले मतलब खौफ होता था पिचेस को लेकर, अभी भी इंडियन बैट्समैन के लिए अलग ही है कि बाउंस ज्यादा है, फिर भी उतना नहीं रहा गैप। एंड आई थिंक द बिगेस्ट रीजन है ड्रॉप इन पिचेस, न्यूजीलैंड में शुरू हो गई ड्रॉप इन पिचेस, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गई ड्रॉप इन पिचेस, तो ये जो ऐसे दो कंट्रीज है वहां आपको दिखता नहीं। इंडिया में एक थोड़ा सा आपने देखा था बीच में फेज आ गया था जब थोड़ी अच्छी पिचेस नहीं बनी थी, फिर उसके बाद हमने देखा है वापस ठीक होगी, बहुत ही ज्यादा टर्निंग ट्रैक थे जो अगेन इन द लार्जेस्ट स्कीम में, ये अलग डिबेट है, सब्जेक्टिव है सर, हाँ नहीं नहीं वो तो अलग डिबेट है, जैसे मैंने कहा कर सकते हैं, एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग भाई, आपकी कंट्री आप बनाए जैसी पिच, एज लॉन्ग एज द पिचेस आर नॉट डेंजरस, डेंजरस इन द सेंस की भाई उसको चोट ना लगे या ऐसी ना हो कि भाई मैच कोई देखने ही ना आ पाए वो, या मैं डेंजरस सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए कह रहा, स्पिनर के लिए भी ऐसे हो कि बिखर रही है, टूट रही है पूरी तरह से पिच, तो वैसा ना हो तो ठीक है, मतलब एवरीवन वुड वांट दोस, बट ये गैप थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉप इन पिचेस, और उतना अब डिफरेंस नहीं नजर आता न्यूजीलैंड जैसा होता था, याद है जो हम देखा करते थे क्रिकेट टीनेज इयर्स में या बचपन में, उतना गैप नहीं नजर आता। Also, also again, going back to the Indian perspective, अगर आप पिछले 15 साल में देखें इंडिया की the most famous overseas wins, 2007 साउथ अफ्रीका, 2010 साउथ अफ्रीका और 2014 इंग्लैंड, one of the, these all came on green or bowler friendly wickets. तो opposing teams देखते हैं कि यार अगर हम इंडिया को green top देंगे यार हम भी हार सकते हैं, ये हुआ है, but it all the focus comes back on the batting. Teams की bowling अच्छी हो रही है, it all comes down to batting. I think that's the point. And the batting, and the it comes down to the batting. मैं वही कह रहा हूँ, Indian team यार निखिल नो, हम तो देख रहे हैं कब से जब कौन तेरा, India कब बाहर जाके teams को bowl out करती थी, अगर किया भी तो उस team ने 650 run मारे, अब हम देख रहे हैं कि South Africa bowl out for 194, 210 वहाँ पे, पर India वो matches हार रही है क्योंकि India की अगर South Africa 2010 मार रही है तो India 190 मार रही है, तो it all comes down to the falling, the decline in batting standards. Huge factor. Yeah, would it be right to say that maybe we're living in an era right now where the bowlers are on a different level as compared to the batsmen, and maybe that is the reason that teams are not being able to hold their own outside of home as far as the batting is concerned. Go ahead, Nikhil. No, I don't know. I mean, can we say that in an era of Joe Root and Steve Smith and Virat Kohli's of the world and David Warner's of the world that we are not in an era? I don't know. This is another debate era. कैसे थे bowlers better थे, बल्कि मैं तो ये कहानियाँ सुनता हूँ कि अब bowlers वैसे है ही नहीं, तो इसलिए Virat Kohli run बनाता है क्योंकि आपके पास Michael Holding थोड़ी ना है, तो exception है सर, आप top of the mountain की बात कर रहे हो ना, वही एक debate तो वही ना भाई, सब कहते हैं कि गावस्कर का एरा बहुत टफ था, फिर बोलते हैं सचिन का एरा भी बहुत टफ था कि भाई उस टाइम शोएब अख्तर था, एलन डोनाल्ड था, आपके पास ब्रेटली था, और मतलब बहुत है मुरलीधरन था, शेन वॉन था, क्या बोलिंग थी, ये बोलर्स का मैच कर सकते हैं उनको, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव, हाउ यू टेक अ लुक एट इट, नॉट इट्स नॉट एन ओपिनियन, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, अगर आप चर्चा करते हो तो ये भी कह रहा था तब बोलर्स बहुत थे, आई थिंक दो इफ आई कैन जस्ट मेंशन टू फैक्टर्स जो बहुत फर्क पड़ रहे हैं अगर मैं होम एडवांटेज की बात करूँ, एक तो विच एवरी वन नोज बॉल भाई, सब बोलर्स को टाइम लगता है थोड़ा यूज टू होने में विद द कुकुबारा एंड एस जी एंड ड्यूक्स और ये वो, द अदर थिंग जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगती है कि ये होम एडवांटेज इतना बढ़ रहा है, जो कि मुझे लगा था थोड़ा कम हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता था एटलीस्ट टिल दी 80s एंड इवन टिल आई से टिल 90s, वो होता था होम अंपायर्स का, यू नो कितने भी आप बोलर्स से बात करो 70s, 80s, even 90s, कि टेस्ट मैचेस वो इसलिए नहीं जीत पाते थे बाहर जाकर क्योंकि अंपायर आउट देता ही नहीं था, ये सच्चाई थी भाई, होम अंपायर आउट ही नहीं था, तो कितने टेस्ट मैचेस आप मान के चले कि जो टीमें ट्रैवल करती वो नहीं जीत पाए। मैं कुछ ही दिन पहले मनिंदर सिंह का भी सुन रहा था, वो बोलते थे मैं तो जब जाता था ये प्रिपेयर होके जाता था कि भाई LBW तो है ही नहीं,
LBW is out of the game. मुझे अगर आउट करना है तो बोल्ड ही मारना पड़ेगा, और थिन एजेस भी आउट ऑफ द गेम है, वो नहीं देगा अंपायर. और ये आप पुराने भी अगर बात करो, शक्कू राणा बड़े फेमस पाकिस्तान के अंपायर होते थे, बड़े उनके किस्से, तो ये चीज होती थी तब, इट वॉज टफर. आज न्यूट्रल अंपायर है, यानी कि जो ट्रैवलिंग टीम है उसको उतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, और नहीं है, हाँ. है ना, DRS भी है, फिर भी इतना गैप बढ़ रहा है, सो दिस इज अ बिट सरप्राइजिंग. बट देन मेबी निखिल, दैट इजंट अ फैक्टर ना बेसिकली, देन दैट टेल्स यू दैट एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि भाई वो फैक्टर तो निगेट हो गया है, वो नहीं है, है ना. तो फिर भी इतना जीत रही है. हमने कारणों पे यहां पे बात कर ली है, एंड जस्ट टू सॉर्ट ऑफ राउंड अप द डिबेट, सॉल्यूशंस as to how this could go forward so that we can bring an end to the debate also, is that ek main bada acha podcast sun raha tha, Tom Moody and Bishop sabka, to unhone aur sari homework bhi wahi se hui hai, to unhone ek bola tha ki there was a time when county cricket was the breeding ground for all of the world's international cricketers who would come there, who would play on different conditions, who would mingle with different players, much like what franchise cricket has become today. Also, that plays a big part. England पहले franchise cricket में इतना नहीं आ रहा था, तो अब उन्होंने IPL में player भेजना शुरू कर दिए, तो now you watch what they're doing in the white ball format. कि अब वो एक England ने कहीं ना कहीं realize किया है कि हम finishing ground क्यों बन रहे हैं पूरी दुनिया के world cricketers का. So if you've noticed that county stints for a lot of international players over the last few years has gone down. So maybe you suppose जो domestic leagues हैं, not just the, ताकि it's a two-way process. ताकि इंग्लिश प्लेयर्स भी तो कहीं बाहर जा सकते हैं, शेफील्ड खेलने जा सकते हैं, रणजी खेलने जा सकते हैं, एंड इफ दैट प्रोसेस बिगिंस बिटवीन बोर्ड्स, से द बिग थ्री इफ यू ओनली स्टार्ट, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, देन मे बी दैट विल रियली यू नो हेल्प नॉट जस्ट द डोमेस्टिक लीग्स इन अ प्रोसेस, बट ऑल्सो यू विल बी प्रिपेयरिंग प्लेयर्स टू गो एंड प्ले इन कंडीशंस व्हिच विल बी रियली चैलेंजिंग अगेंस्ट पॉसिबली द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड क्रिकेट. आई मीन देखो गुड नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो चीजें, अगर इतना मतलब, अगर अगेन इट्स अगेन सरप्राइजिंग कि अगर ऐसा था तो इंडियन कई प्लेयर्स खेलते थे भाई इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट, इसका मतलब ये नहीं था कि उस टाइम पे इंडियन टीम जाके वहां पे टेस्ट मैचेस जीत जाती थी, यू नो, तब भी वो गैप था. आज के दिन में कितने प्लेयर्स इंडियन कंडीशन के यूज टू हैं, फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, T20 खेलते हैं, IPL खेलते हैं, और देर यूज टू दिस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब इंग्लैंड की टीम यहाँ आती है तो वो टेस्ट सीरीज जीत जाएगी. यू नो दे वन द टेस्ट सीरीज इन 2012, बट वो उनके स्पिनर्स ऐसे, यू नो, अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी विदेशी टीमों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है. तो इवन दो ये अगर इधर उधर खेलते भी हैं, विल इट अगेन निगेट द होम एडवांटेज? आई मीन आई एम नॉट टू श्योर कि अगर ये चीज, but at least it might bridge the gap a little bit, at least I'm not saying it'll go over the line to say कि हम जीत के ही जाएंगे, but it might bridge the gap a little bit more at least. Maybe white ball cricket is very different from red ball cricket, I guess. And if they come and play red ball, I think the way to इसको skirt करने का एक और तरीका, जो बाकी देश कर भी रहे, आप ATOs भेजो ना, इंडियन टीम अब ATOs बहुत भेजने लगी है विदेशी जमीन पर खेलने, और बाकी टीमें भी इंग्लैंड भी भेजने लगी है यहाँ पर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ट्रॉफी खेलने आई थी, मुझे याद है, मैं कवर करने गया था इंग्लैंड लायंस. हाँ, वो आए हुए थे, उनके रॉडनी मार्श वाज़ द कोच, ऑस्ट्रेलियन उनके कोच थे, केविन पीटरसन उस टीम में थे, इंटरनेशनल क्रिकेट तब तक उन्होंने नहीं खेला था आदर. तो आई थिंक ये तो चल ही रहा है, जस्ट दैट हमारी लाइमलाइट में नहीं आते, बिकॉज़ वी डोंट कवर एट और सो मच. यस यस, आई एग्री विद निखिल. आई विल जस्ट से वन मोर थिंग ऑन दिस. आई थिंक द ए टीम जो है, इसका सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए टीम्स क्या है, ए टीम्स अगर आप ब्रॉडली स्पीकिंग, हाँ देयर आर सम एग्जांपल्स जब कोई प्रॉपर टेस्ट प्लेयर्स और वनडे प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं और वो सीधा ए टीम में जाते हैं. पर ए टीम की बात देखें तो इट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लेयर. जितनी ही ये नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लेयर्स न्यूजीलैंड में खेलेंगे, एक इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट होता था, आई थिंक दैट्स नॉट अराउंड द लास्ट कपल इयर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज था, ये एक ट्राई सीरीज और दो तीन फोर डे मैच होता था ऑस्ट्रेलिया में. दीस सीरीज आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, बिकॉज दैट इज वेयर योर शुभमन गिल, योर शॉज, दैट लेवल ऑफ प्लेयर्स गेट द एक्सपोजर ऑफ प्लेइंग मोर. मैं तो ये मानता हूँ कि दीस प्लेयर्स साल के 4-5 महीने इनको बाहर खेलना चाहिए. अगेन यहाँ घर बैठे आसान है बोलना. दूसरी बात, जस्ट गोइंग बैक टू द पॉइंट अबाउट द काउंटी प्लेयर्स, मैंने इस पे 2-3 आर्टिकल भी लिखे हैं पिछले 8-10 साल में. मेरा यह मानना है कि इफ यू लुक जस्ट एट द इंडियन एग्जांपल, पिछले 20 साल में कितने इंडियन प्लेयर्स का फायदा हुआ है वहां. जहां बात करें जहीर खान की, जब वो ड्रॉप थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने 3 महीने, I'll get to him. Zaheer Khan is a big example. He spent some 2 months, I think, Warwickshire, Worcester, working with Alan Donald and all. उसके बाद जो जहीर खान 2.0 आया, द बॉल वॉज रिवर्सिंग, ओल्ड बॉल, फैंटास्टिक.
ईशान शर्मा वहां, ईशान शर्मा जो पिछले 10 साल से खेल रहे, नो ऑफेंस, एंड द ईशान शर्मा जो 2018 से वापस आया वहां पे, इट इज अ मच इंप्रूव्ड बॉलर. चेतेश्वर पुजारा हैज गॉन देयर. तो कहीं ना कहीं, बट अगेन दिस इज नॉट बिकॉज द ऑफर्स aren't coming. ऑफर्स आ रहे हैं. इंडियन बोर्ड नहीं चाहती थी कि उनकी प्लेयर्स वहां जाए. दिस इज अ टॉपिक फॉर होल डिफरेंट शो ऑल्सो, आई नो. बट आई मीन हिस्ट्री इज शोइंग टू यू कि इंडियन प्लेयर्स का फायदा होता है मोर ऑर लेस ब्रॉडली स्पीकिंग अगर वो 2-3 महीने वहां पे खेले. क्रिकेट के लिहाज से फायदा होता है. तो वो ज़हीर खान जब बेटर बॉलर बन के आए तो हर कंडीशन में बेटर बन गए क्योंकि उन्होंने कई स्किल्स पिक किए या ईशान ने कई स्किल पिक किए. बट विल दिस ब्रिज द गैप फॉर होम एंड अवे कि भाई क्योंकि इंग्लैंड में खेला है अब इंडियन टीम को वो मदद कर रही है इंग्लैंड में जीतना. Not because he's played in England, but because he's become a better cricketer. Yes, he will help his team do but well. अगर आपके broad, अगर आपके बहुत 20-22 जो आपके pool of players हैं, जो अगर हम test की बात करें, अगर उनमें से 7-8-9 players वहाँ खेल रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं, तो you would expect that number two. Knowledge हो जाएगा ना सर. अगर बिल्कुल आपकी बात सही है. अगर ज़हीर खान गया, इसका मतलब effort he put in individually and the coaches. अगर ईशान शर्मा worked with Jason Gillespie, fantastic. तो सोचो अगर ऐसा 7-8 और player उमेश यादव अगर वहां जाते, we could see a far improve, but it depends how many of your players are then going back straight into the test team. अगर वो जा रहे हैं run score कर रहे हैं and then they go back to playing for Saurashtra, ज्यादा फर्क नहीं होगा. But again, is it possible in this day and age of non-stop cricket? I don't know. No, I'm saying they will become better, of course. So this is a given कि वो county cricket जो जाता है वो better player ही बन के आता है और जितने ज्यादा जाएंगे वो better ही होंगे. But they will make the Indian team much better and they will do better irrespective of any condition, I'm saying. But there may not be any data to prove ki just because they played in England, will this help them win test series there? Of course, because they've played in county cricket, they've come back as better cricketers and they will help Indian team win generally. Chahe wo phir Australia mein ho, New Zealand mein ho, jahan bhi ho, India mein ho, wo kyunki better player ban gaye. But kya wahan par khelna unko England mein जिताने के लिए और थोड़े चीजें दे देता है? I'm not sure. It generally you become better. I think the gap will be bridged. See, the thing is all these small things. You assume that. Gap is bridged because they've become better cricketer, but then that gap remain. So hypothetically, let's say if that gap is of 10, I'm just putting a number of let's 10, say 10 meters, ठीक है ना? And अगर 8 player आपके county cricket खेल के आए तो वो गैप 10 मीटर से 5 मीटर हो गया मान ले वो गैप. तो मेरा ये कहना है कि वो 5 मीटर इंग्लैंड में भी है, वही 5 मीटर जो 10 मीटर ऑस्ट्रेलिया में गैप था वहां पे भी 5 मीटर कम हो गया है, न्यूजीलैंड में जो 10 वो भी 5 मीटर कम हो गया है. लेकिन क्या ये हमारे पास डेटा है कहने के लिए कि इंग्लैंड में आपने, क्योंकि आप इंग्लैंड में खेले तो वो गैप वहां पे 3 मीटर हो गया है, लेकिन ज्यादा फर्क ऑस्ट्रेलिया में नहीं पड़ा, ऑस्ट्रेलिया में भी 10 मीटर का ही गैप है, न्यूजीलैंड में भी 10 मीटर गैप, ये नहीं है. बिकॉज व्हेन ज़हीर केम बैक, ही केम बैक एज अ बेटर बॉलर इन एनी कंडीशन. व्हेन ईशान केम बैक, ही केम बैक एज अ बेटर बॉलर इन एनी कंडीशन. आईपीएल में अच्छा कर रहे थे, इंडिया में खेलते हुए. सो दैट्स द पॉइंट. एज लॉन्ग एज दे आर कमिंग बैक एंड दे आर विनिंग द कंट्री मोर मैचेस होम एंड अवे, दैट्स द अल्टीमेट गोल, राइट? तो वो होम में ही, बट दे हैव टू गो देयर टू बिकम बेटर. That's no, my true, absolutely. But I'm saying, no, the point is we're going back. Now, if you play in those conditions, then you will do better because of that. I'm not too sure because county cricket in general, because the coaches around the level of play or whatever it is, you're a better cricketer. But this doesn't prove anything. No, I don't think the point was... I don't think the point was कि इंग्लैंड जाने के लिए चलो काउंटी क्रिकेट चलते हैं. The point was that when you go abroad and you mix with players from all over, coaching, philosophies, mentally, आप बाहर रह रहे हैं, you are becoming a better player and then you are better attuned and you have a thicker skin to tackle a tour in New Zealand and Australia and so forth. जो एक last solution आप लोगों से यहाँ पे बात करना और जिसके बारे में काफी लोगों ने चर्चा करी है, is about the toss. कि toss को alter करना चाहिए कि नहीं, कि जो away side है, they should get to choose what they want to do. Where do you guys stand on this? Because for me, someone, if I play sport and I love sport, it could be any sport. The reason I love sport is that before the game starts or before whatever starts, you're always on an equal footing, sir. Chahe conditions jo bhi ho, you're on an equal footing. 11-11 ho, 11-11 ho yahan pe. Ab agar aapne mujhe keh diya ki toss ji, aap chalo toss aap kar lo, to fir wo equal footing nahi raha janab. Aapne concede kar rahe ho ki ye to kamzor banda aa raha hai, isko chalo piggyback karane ke liye main toss iske hit mein kar deta hu. तो जेमी, यू वांट टू गो ahead. नहीं, मैं आई एम विद यू ऑन दिस अर्जुन. मैं नहीं बिलीव करता आप किसी चीज को. यू नो व्हाट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ,
ऑफ हॉर्स रेसिंग, जब आप घोड़े है ना जब दौड़ते हैं ना तो क्या होता है, जो अच्छा टाइमिंग करता है या फेवर्ड होता है ना, ही कैरीज मोर वेट इन हिज हॉर्स शू, ठीक है, वो जैसे हर हर घोड़े को वेट डाले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो सबसे फास्टेस्ट है वो जैसे 60 किलो डाल रहा है, जो उससे स्लो है उसको वो 50 किलो देंगे, जो उससे थोड़ा स्लो है उसको 40, ऐसे करके कम करते हैं, सो दैट ऑल आर इन द इवन प्लेन, फिर आप शर्त लगाते हो कि कौन जीतेगा एंड देन यू नो बेटिंग होती है, तो ये आप हॉर्स रेसिंग बना रहे हो अगर आप बेटिंग है ना, वो बेटिंग है ना निखिल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, so why you are making it like betting, I wouldn't want the talk to be like that, because aap isko ghodo ki race ki tarah bana diya aapne, you know, ki cheez hum barabar kar dete hain bhai, acha waise na, to agar aap snooker khelte ho na usme kya hota hai, jo bahut acha player hota hai, to make it even wo 10 point ka advantage deta hai dusre ko, he starts with a 10 point or a 50, it's called a handicap as you know 15 point handicap 20 point, aur aap khel ke waise khelte ho, that is never done in professional snooker, it's done at amateur level, jab aap do logo ko barabar karna chahte ho, in any professional sport ye nahi hona chahiye, warna you'll make it like a betting horse racing game, so I wouldn't want this to happen. I agree, I'm all for the toss, I think I'm also a little old fashioned, I like this certain amount of tradition to be there, but usse kya, you have to again go back into the data, matlab our teams losing more after being put in, ye to tabhi hoga because again the conditions are so different, jahan pe green hoga aap chahoge, so again the onus, I think more than the toss, the onus comes back onto the home board, say what kind of tracks, Nikhil ne zikr kiya tha wo daur ka, I think he's talking about 2015 when we saw do teen matches the, they were given the poor what's the report, ITC, rating, sorry, because the ball from the first session was spinning this much, Ravindra Jadeja dropped from the team, comes back, walks away with a man of the match for taking some 9 wickets, you know, so again toss mein itna, I know there's a lot of debate going on, but I don't think it's so much about the toss, it falls back on aapki basic skills kya hai, aapki acclimatization time kya hai, aapne baat kiya do hafte ka, 15 din ka, us 15 din mein aap kya kar rahe ho, are you, is it so much about tour matches, is it about mid-pitch knocking, kya hai? I think let's address the fact that teams are just not batting well enough. That's why. I tell you, jo aap tour ka hum log yahan pe keh rahe na, because the thing is not every board can afford to send tour teams for 2 weeks, 3 weeks. So maybe in India, Australia and England can still afford to do it, but maybe a West Indies or a Afghanistan or a Sri Lanka or someone cannot afford to do it. Exactly. Abhi to hum dekh rahe hain pichle 7-8-10-12 saal se koi team itna time yahan spend nahi kar raha. The days of 3 tour matches are long gone. Abhi aapko ek milta hai wo filana nimkana board president 11 se. But again, I'm going back to the start of cricket. Tour matches have never proven a direct correlation to how you fare. Nikhil talked about, you know, the trend being that as the longer the team goes, aapke chances kam hai. Ye pehle bhi tha aur ye aaj bhi hai. Aapka hamesha, especially when it comes down to a two match series ka point hi kya hai bhai log, aap jo team pehla test jeet gayi, they have no chance of losing, so let's go back and take a bigger look at the how cricket, I find we often round up our talks and talking about I'll give you a very nice solution Nikhil, because Australia ke liye kitne maine rakhta hai England mein jaake jeetne ke liye, kyunki wo ashes series hai, unki jo Sheffield Shield cricket hai, off late what they've started doing is first 5 matches they play with the Kookaburra ball, which is of course prevalent in Australia, wahan ki conditions mein. But then the second 5 matches are played with the Duke's ball. And therein, you know, that's a very small change. Aapne kya, aapne sirf ball badli hai. Par us ball badalne ke badalat, aap of course, aap conditions pe aap khel rahe ho. 5-5 match aap khel rahe ho. Chahe jitna bhi small change ho, it could be a 1%, 2% advantage when you possibly go to England. But it's there and it's coming about. No, I agree. भाई आप स्पोर्ट में वही है, माइक्रो सेकेंड्स मैटर एज यू नो, तो अगर आप कोई भी चीज से कर सकते हो तो विराट कोहली ने इससे भी बेटर सजेशन दिया था, उन्होंने कहा था आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं कर देते बॉल, ड्यूक्स बॉल, ही सेड ही लव्स द मोस्ट, उनको लगा वो बेस्ट है टेस्ट क्रिकेट के लिए, आप ये उसको स्टैंडर्ड कर दो ना भाई, क्रिकेट एक स्टैंडर्ड हर जगह सेम होता है ना, बास्केटबॉल जो है वो सेम है हर जगह, तो आप उसको वही चीज को यूज कर लो हर जगह, ऑलरेडी आप कंडीशंस तो बदल ही रहे हो, तो बॉल को एटलीस्ट सिंपल सिंपल रखो, उनका तो यही मानना था कि आप एक ही चीज करते हैं, एंड ही गेव हिज थम्स अप टू द ड्यूक्स बॉल, ही सेड उनको बहुत अच्छी लगती है जिस तरह से वो टेस्ट क्रिकेट में चलती है, तो आप हर जगह वही कर दो, बट अगेन अब आपको पता है बिकॉज क्रिकेट इज वेरी अनयूजुअल इन दैट सेंस, बायलैटरल सीरीज आईसीसी नहीं देखता, हर बोर्ड खुद देखता है, तो एक सेंट्रल बोर्ड बॉडी कैसे आप डिसाइड करे सबको क्या बोले, हर बोर्ड बोलेगा नहीं हम अपनी सीरीज में तो यही रखेंगे, तो एक अलग ही डिबेट है, और एक पता नहीं कितना टाइम आप ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसके बारे में हमने बात किया पहले शो में, जो हम सुन रहे हैं 10 साल से, फाइनली जब ये आया है, चलो अब ये रुक गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19,
look at the top teams. They played five series. Some teams have played one. Some even haven't played one, right? So bigger picture is how the game is run. Not so much about pitches and the conditions. Overall picture, this will give you an answer. All right, Jamie, Walter, Nikhil, Nas, thank you so much for joining us on this episode of 575 Ounces. Jate jate, haan ji sir, aap kuch kehna hai? हमारी प्रोड्यूसर सुन रही है पर उसको म्यूट किया हुआ हमने तो शी कैन्ट इवन बटन जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम आर्सेनल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गो गनर्स एक मैंने एक इसमें चीज सुना है और मैं कैंपेन शुरू करना चाहता हूँ फॉरगेट ब्लैक लाइव्स मैटर ऑल लाइव्स मैटर आर्सेनल लाइव्स मैटर ये होना चाहिए आर्सेनल फैंस लाइव्स मैटर गनर्स लाइफ मैटर जो भी है ना सब गनर्स लाइफ मैटर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस गुड बाय Thank you.